हाँ यूट्यूब चैनल का आप देख रहे हैं हॉक गेमिंग और मैं हूँ मिस्टर सिंह जी। हाँ दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक अनदर डे अनदर स्क्वाड मुकाबले में, जिसमें वंडर की टीम है, हॉक की टीम है, और ये जो है तो द रेनल्स की टीम है, फ्लैश बूम की टीम है, और यहाँ पे हॉक रजत की टीम है, डेडपूल की टीम है साथ में, और एचआर की टीम है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस घमासान मुकाबले में बिल्कुल निश्चित रूप से आपको रश गेम प्ले देखने को मिलेगा। और जो गेम प्ले है शुरू हो गया है, जो प्लेन है वो जा रहा है जॉर्जी के ऊपर से, और ये जाएगा लिपोवका के बगल तक। बगल मतलब वो वाला बगल नहीं, समझ लेना, अगर समझ लेना तो फील भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हॉक रॉबिन आज जो है तो टॉप कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस जबरदस्त गेम प्ले में हमारे साथ जुड़े रहें एक्सक्लूसिव रशेस मुकाबले में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के जो मुकाबले में टीम स्टोनर और स्लेयर की टीम जो नहीं है यहाँ पे, काफ़ी रश के लिए जानी जाती है। और जैसा कि आज का गेम प्लान मैं आपको बता दूँ, जो काफ़ी टीमें हैं सब इधर उधर निकल पड़ी हैं। ड्रीम एडी की टीम है वो जॉर्जे पे ही उतर रही है, जॉर्जे जो घर साइड वाला एरिया है वहाँ पे जाती है। डी कंपनी पोचिंग की जा रही है, मिस्टर सिंह स्कूल में गए हैं, और जो रोड की टीम है वो भी निकल चुकी है। हॉक की फोनिक्स की जो टीम है वो एकदम सेफ जोन में खेलने के लिए जा रही है। दो टीमें, तीन टीमें यहाँ पे एक साथ लिपोवका में जा रही है। एक्सपो संजू की, आफ्ताब की टीम और 6 नंबर बूम टीम यहाँ पे निकल चुकी है। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि जो है तो 5 नंबर 12 नंबर अलग अलग हैं, जो सबसे पहला रश गेम प्ले हो सकता है वो यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, और ये जो टीम है वॉन्डर की टीम, यहाँ पे लूट कर रही है, साथ ही पास में चार की टीम है जो निकल चुकी है काफ़ी दूर अभी, और एक्स बॉय संजू की जो टीम है, और दो टीमें यहाँ पे जो है तो उतर चुकी हैं धड़ाधड़। डेड पूल की टीम है। जी हाँ, हम आज चलते हैं आपको डेड पूल के पास। ये जो डेड पूल है ये अभी अभी लैंड कर रहा है। वाओ, क्या लैंडिंग है! अरे भैया, तुम्हारे कपड़ों की धर गई! अरे भैया, अरे बाबा, ओ माई गॉड! उतरते ही रश, हाइप आफ्ताब ने रश कर दिया यहाँ पे। जी हाँ, और दो बंदे नॉक भी कर दिए हैं। क्या बात है, हम चलते हैं हाइप आफ्ताब का जो है वो है, ओ सॉरी सॉरी, हाइप आफ्ताब जो है तो मर चुके हैं, माफ़ी चाहूँगा, ने रश नहीं किया था, एक बंदा खो दिया है काफ़ी गम में, और यहाँ पे लूट रहे हैं। लूटने के बाद में भी ये रश करेंगे। डेडपूल जो है थोड़ा सा बहक गए थे इनके जो टीममेट्स हैं। भैया, अलग काहे को जाते हो भैया, टीम के साथ रहो भैया, स्क्वाड गेम प्ले इसीलिए करवाते हैं, सोलो में तो आते ही नहीं हैं। GTX लवर है यहाँ पे, लवर बॉय GTX। और जो काफ़ी जो है तो मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लूट कर रहे हैं, लूटना कितना, देखना कितना, हाउ मच इज बोरिंग,
बट क्या करें, कुछ लोग ने मतलब कंप्लेन की थी कि मैं जो है तो मैक्सिमम टाइम मैप ओपन करके रखता हूँ इस वजह से। चलो भैया अब नहीं करेंगे, देखते हैं भैया आज होता है क्या। मुझे तो नींद आने लगी, टू स्लीप। कोई रश यहाँ पर तो देखने नहीं मिल रहा, इंतजार करते हैं हम। और पास में ही रश के लिए जो है तो टीम है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये घर पे हैं। और सामने एक्स बाय संजू की टीम है। भैया ये तो कतई प्रो हो रखा है डेडपूल, तो भैया UMP 9 लेके भैया रश के लिए निकल रही हो है भैया, क्या बोल सकते भैया इसको, पीरो है ना ये बंदा भैया, क्या बोले इसको, हाँ कुछ बोले भी नहीं सकते ना भैया। IWM से पट से हेडशॉट भी देता रे भैया, ये क्या करे भैया बताओ तुम ही। फ्लैंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक बंदा खो चुके हैं ऑलरेडी जो डेडपूल है। झाड़ियों के पीछे से निकलते हुए फुल टू फ्लैंक करने की कोशिश, लूट कम पड़ गई है आई थिंक, वो इस घर में जाके लूट करना चाह रहे हैं। करते हैं देखते हैं, और अभी तक कोई जो है तो माहौल नहीं बन पाया है मैच का, है ना भैया, चल रहा है भैया। ए भैया बिल्कुल भैया देख लो भैया तुम कैसा मतलब हो, भागते रहो ए भैया भागते रहो। ये टीम मुझे नहीं लग रहा लड़ने वाली है, यहाँ पे रश किया करने कोशिश करी है टीम नंबर 11 ने। एक्स बॉय संजू हैं जो पीछे पीछे जा रहे हैं, हॉक ने आपको देख लिया है आई थिंक, और हॉक ने अब काफ़ी मंझे हुए प्लेयरों में हैं आजकल, ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। एक दिन उन्होंने हॉक रॉबिन की स्क्वाड को मतलब दो बंदों को मतलब निपटाया था, काफ़ी जो है तो अग्रेसिव प्लेयर हैं, इनसे तो भैया बच के ही रहना चाहिए भैया। और एक्स बॉय संजू जो हैं तो जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बढ़ रहे हैं जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बढ़ रहे हैं अरे भैया जा रहे हैं, बढ़ रही हैं धीरे धीरे, बढ़ रहे हैं। और दूर दूर तक कोई बंदे का नाम और निशान नहीं मिल रहा यहाँ पे। जी हाँ मैं हूँ मिस्टर सिंह, बंदा मतलब कतई पीरो हो रखा है, एक मतलब थॉमसन ले रखे है और एक और कोई सी 2KD की गन है। देखो भैया मेरे को इतना नाम नहीं याद है भैया इसका, मैं इससे कभी खेलता ही नहीं हूँ। मेरी फेवरेट है M762 बैरल और DP 28, और आगे जो है क्रस्टर का बंदा है उसके पास आई थिंक लोकेशन ही मिल गई है, और ये गड्डी येलो वाली गड्डी में से चढ़ के जा रही है। क्या हरा भरा जंगल है, जंगल हरा भरा, किसी किसी का काला भी होता है भैया,
तुम इधर उधर मत सोचना, काला जंगल भैया, काला पानी हो सकता है तो काला जंगल क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी तो ना सोचो कम से कम, और इस समय तो जंगल पूरे हरे भरे ही हैं, चाहे काला ले लो चाहे हरा ले लो। सब एकदम शांति से अपना गेम प्ले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक टीम तो आई थिंक यहाँ पे भी थी। मुझे लग रहा है ये रश के लिए जाएंगे, लेकिन जा कहाँ रही है ये भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया। थोड़ा लूट में कमी है एक्स बॉय संजू के पास, तो एक्स बॉय संजू आए हैं यहाँ पे लूट में। जी हाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक्सक्लूसिव लूट पे कैसे हैं। और यहाँ पे रश हो गया है आई थिंक। तीन नंबर तेरह, तेरह नंबर तीन, यहाँ से जो है तो निकली है। एक्स बॉय संजू पीछे से फ्लैंक करते हुए, देखो भैया ये लागू की कितनी प्रॉब्लम हो रही है भैया। अरे भैया मैं ऐसे ही खेलता हूँ भैया, ऐसे में ही मैं मतलब खेलना छोड़ दिया मैंने भैया। फिर मैंने शुरू किया खिलाना, फिर मुझे पता चला कि असली बिजनेस क्या है। असली बिजनेस है पबजी खिलाना। पबजी खेल खेल के तो बंदे बन गए जिनको बनना था मॉर्टल डायनमो। अब भैया एक ही हो सकता है कि तुम खिलाओ। खेलने वालों की कमी है नहीं, सारी की सारी टीमें जो है तो सेफ खेल रही हैं। अभी तक सिर्फ एक किल मुझे यहाँ पे दिखा है, और अभी तक किसी का खाता ही नहीं खुला भैया। मतलब समझ सकते हो कतई पीरो हो रखी है। क्या एक्स बॉय संजू के आसपास कोई टीम नहीं है? चली गई है यहाँ पे। और हम चलते हैं हॉक रॉबिन के पास। जी हाँ, मैं हूँ मिस्टर सिंह और आप देख रहे हैं हॉक रॉबिन। जी हाँ, ये बंदा है पीरो है, लेकिन आज दो तीन दिन से काफ़ी वीरो चल रहा है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि भैया ये कुछ भी नहीं है, भैया कतई पीरो हो रखा है भैया। जॉर्जी पुल में सफलतापूर्वक लूट लेने के बाद क्या ये बंदा स्क्वाड खाएगा या अपने स्क्वाड किसी और को खिलाएगा? नहीं 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 भैया, ऐसा मत सोचना, क्योंकि इसकी टीम में डिरी मैडी भी है भैया। ये जो डिरी मैडी है भैया, ये मारता है तो सांस नहीं लेता भैया, एक ही स्प्रे में खा जाता है चार चार बंदे भैया। इसलिए कहता हूँ भैया, और हम चलते हैं एचआर टीम के पास। एचआर फुद्दी सिंह, फुद्दी फमीर फुद्दी था, और एक एचआर फुद्दी सिंह है ये भैया। बड़ी बड़ी फुद्दियों के मालिक है भैया, इनका कांटेक्ट चलता है भैया जगह जगह। तुम जोन बताओ वहाँ की फुद्दी दिलवाएंगे तुम, चाहे ग्रीन जोन हो चाहे रेड जोन हो, हर जगह की फुद्दी अवेलेबल।
कांटेक्ट करें इस नंबर पे, नहीं जो इसके बायो में मेंशन रहेगा। पहलवान ना देना भाई लोग, तुम लोग हैं पता चला पुलिस आए बोले तुम भैया खुद ही सप्लाई करवाते हो इतना पहले के भैया कढ़ील कढ़ील डंडे डंडा कढ़ीलना। आज एक नया वर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, कढ़ीलना मतलब है घसीटना। यू नो हमारे बगेली में बोला जाता है कढ़ीलना, कढ़ील के मारेंगे तो का समझे, समझे कि नहीं? बिल्कुल। ये भी भैया खासा लूटम लूट मचाए हैं। ड्रीम एडी रश कर रहे हैं। ओहो ड्रीम एडी नॉक, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, लेट्स गो टू द हॉक रॉबिन। और एक बंदा ख़त्म भी हो गया भैया, पता ही नहीं चला कैसे। ओहो द ओरिजिनल्स की टीम यहाँ पे आमना सामना, उनके पास रीज है जिसका वो ज़बरदस्त फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। द ओरिजिनल्स की टीम हाल ही में ताज़ा विनर बनी है और यहाँ पे थर्ड पार्टी हो रहा है। कौन मारा रे पीछे से हैं? कौन मारा? ओ माय गॉड क्या नेड है डीबी जेड का। और हॉक रजत टीम बूम 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 बूम। टीम बूम के पास हॉक रजत की टीम थी, खत्म हो गई क्या? ओह माय गॉड। और जो बूम की टीम ने स्क्वाड जो है तो यहाँ पे वाइप कर दिया है भैया। ये बंदे भी कतई पिरो हो रखे हैं भैया, इनके मुंह में खून चढ़ गया भैया। ये तो मतलब खूना खूनी एकदम, समझ सकते हैं आप, एकदम शेर वाला फीलिंग है भैया इनका। बूम बूम कर देते हैं भैया फरीदी, बूम बूम। कुप्पी सुप्पी लेके चलते हैं भैया, किसी के भी खोल के भर देंगे, पेट्रोल मार देंगे, माचिस भड़ाक से आग लग जाएगी। समझ गए भैया, कतई प्रो रखे हो रखे हैं लौंडे, मानते नहीं किसी को, धूल बराबर चटा देते हैं धूल। भूल 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 13 नंबर के पास रश होता हुआ मिस्टर सिंह। मैं हूँ मिस्टर सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर सिंह। ये भी बंदा कतई प्रो हो रखा है, ऐसा मारता है भैया कि भैया ये भैया तो भैया है भैया, समझ गए भैया। मज़ा नहीं आ रहा भैया, बोरिंग लग रहा हमें। हम बता रहे हैं हमको ये सब देखना पसंद नहीं है कि तुम पीछे डीपी की प्लेट दिखाओ हमें, दीवार कोना दिखाओ, जाले दिखाओ, हैं ये क्या दिखा रहे हो हमको, सीढ़ियाँ दिखा रहे हो हैं, हैं ये क्या है भैया, हैं ऐसे कैसे चलेगा? स्कोप तो लगा लेते कम से कम, 2x का 4x का है भूता है, है? अरे बाप रे बाप, भूत लग गए भैया का तुमको, अपने ही अपने पिछवाड़े में नेड़ पे लोगे। ओ नहीं 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 नॉन 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 नॉन, ऐसी गलती कभी ना करना, मिस्टर सिंह का नाम खराब किया तो भयंकर पलाई हो गए भैया, समझ जाओ भैया। और देखो भैया ऐसा है कि कल एक बहुत ही गलत हरकत हुई थी जो मुझे सुनाई दी गई है कि भैया कोई जो ग्रुप में है वो MCBCDC कर रहा था। तो सुन लो भाइयों, MCBCDC मत करो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, अपनी माँ बहन की इज्जत करना सीखो, हैं हिंदुस्तानी हो तुम, हिंदुस्तानियों को अपना भाई मानो, उनकी माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझो। मित्रों मैं कह रहा हूँ अगर तुम ऐसे ही MCBCDC करते रहोगे तो यह लॉकडाउन फिर से बढ़ जाएगा भाइयों बहनों, और ये डेविल जो है तो फॉर्म में।
पीबीएक्स की टीम है जो करण सिंह पीबीएक्स शूटर आज जो है तो इस टीम ने एंट्री ली है। एकदम आड़ी गाड़ी फंसा दी है इनने, टीम नंबर 16 है इनके पास, 14 नंबर के पास रश हो रहा है लगातार। डीमोन, सॉरी भैया डीमोन, हमारे पास जो है तो फरमाइश आई थी, डेविल ने कहा था भैया हमको एक्सपेक्ट करिएगा, हम भैया आप आज आपको एक्सपेक्ट कर रहे, थोड़ा रश दिखाओ हमें, ऐसा गेम प्ले दिखाओ पोचिंकी में आए हो, थोड़ा छा जाओ। 11 नंबर की टीम है, पेलो पालो रामपाल हो जाओ, समझ रहे हो हमारी भावनाओं को, नहीं समझे तो भैया बोलना मत, आज के बाद हम एक्सपेक्टेट करो। ओ माय गॉड, ई का भैया ई दिखाओगे स्पेक्टेटवा में, ऐसे कैसे चलेगा भैया, कोई गेटवा तो खोल दे, अपना गेटवा खोलने लायक नहीं रह गए। अरे भैया ऐसा ना मारो भैया, घुस जाओ भैया, रिवाइव हो जाओ, अरे भैया रिवाइव तो कर दो भैया, डेविल भैया को ये कहा दिखवा दिए हमें डेविल भैया, तुम बोले थे हम स्पेक्टेट करो, हम सोचे रश गेम प्ले दिखेगा। एक्स बॉय संजू की टीम है यहाँ पे, तुम कुछ और ही दिखा रहे हो पीछे से हमें, ऐसा कैसे चलेगा भैया। ओ भैया कतई पिरो हो रखे हैं भैया, एकदम जोश में आ गए भैया, ए भैया धड़धड़ा घुस जाएंगे भैया ये, ओ माय गॉड भैया, ओ माय गॉड भैया, इतनी तेज स्कोप के मतलब बंदा ही नहीं पकड़ पा रहे, ओ माय गॉड क्या बात है, क्या बात है, ओ माय गॉड, डीमोन जो है तो खा गया भैया, डेविल खा गया भैया नितिक की टीम को, विकल्प को भैया एक बंदा बचा भैया, उसको तो बचा लो, डीमोन भैया दो बंदे खा गए, और 13 नंबर की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है अपनी कमान संभालने के लिए। इस रश गेम प्ले में हमारे साथ जुड़े रहे, और यहाँ पे 3 टीमें हैं, करण सिंह की पीबीएक्स टीम और मिस्टर माफिया की टीम पहुँच चुकी है यहाँ पे। छः नंबर के पास रश गेम प्ले हो रहा है, ले चलते हैं हम आपको, और यहाँ पे सामने बूम की टीम के सामने है अलग ही कतई प्रो हो रखी टीम, हम स्पेक्टेट कर रहे हैं बूम जतिन को, और जिनको थर्ड पार्टी ने मारा, वंडर की टीम, वंडर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हाट आई वंडर व्हाट यू आर, आप अब द वर्ल्ड सुहाई, ओ माय गॉड निकल गए भैया, बूम की टीम निकल रही है यहाँ से, जोन पे जाएंगे ये बंदे, कतई पीरो हो रखे हैं, 9 टीमें बची हुई हैं, 31 बंदे, और जो ये टीम है ये मुझे लग रहा है ड्रॉप टूटने जा रही है, मतलब थोड़ा तो कैंप आपको करना ही पड़ेगा, और यहाँ पास में है टीम नंबर 8 डेडपूल की टीम, डेडपूल के इलाके में जो है तो घुस रहे हैं ये, अगर दो तरफा फायरिंग होती है एक बंदा तो नॉक कर दिया है यहाँ से, क्या बात है,
आई थिंक यहाँ पर भी डेड पूल ओह माय गॉड टीम वाइप कर दी है बूम ने खात्मा टीम नंबर 16 पे रश होता हुआ डीजे मन्नू डीजे टीम वॉन्डर वॉन्डर की टीम रश कर रही है यहाँ पे कहाँ है भैया 16 नंबर बूम रावण की जो टीम है उसने अचानक से जो है तो 7 किल कर दें भैया वन एंड ओनली टीम जो है तो बची हुई है यहाँ पे वॉन्डर की टीम पूरी पूरी है साथ ही साथ जो है तो इतने सारे क्रेड भैया कैसे भैया तुमने भयंकर गेम खेले ओपी भैया ओपी और टीम नंबर 10 भी यहाँ पे गाड़ी से निकलती हुई और रुक गए हैं भैया क्या ये गाड़ी उड़ा पाएंगे जी हाँ चार की टीम जो है इनने उड़ा दी क्या बात है मैं तो कहूँगा भैया ओपी के साथ टीम किल 13 भैया चार की टीम खा गए पूरी पूरी टीम वॉन्डर DBZ की टीम ने रश कर दिया है कहर जादू मिस्टर सिंह की टीम की स्क्वाड वाइप कर दी खतरनाक गेम प्ले टीम नंबर 6 भी यहाँ पे एक और रशिंग गेम पॉइंट में पहुँच गई है टीम नंबर 3 वॉन्डर उनके पास है बूम भी बगल में अब आएगा मजा भाई ने एक बंदे को गेस कर लिया है ओपी भैया ओपी और टीम HR आज ओपी से टोपी तक का सफर तय कर चुकी है क्या बात है एक बंदा नॉक करके टीम ने हील कर लिया भैया अंधेरे में तीर चला रहे हैं भैया कतई पिरो हो रखे हैं भैया भैया बैठ जा भैया ले लोगे भैया जबरदस्त PBX शूटर जो है तो पेल रही है इधर से PBX बूम बजरंगी ने हेड शॉट दिया है बूम की टीम कतई पिरो हो रखी है यहाँ पे आज बूम वर्सेस वॉन्डर और वॉन्डर जो है तो और भी कतई पिरो है दोनों की दोनों जो टीमें हैं वो मान नहीं रही हैं बूम वर्सेस वॉन्डर का जबरदस्त गेम प्ले और सब जोन की ओर निकलते हुए भैया जोन से बाहर किधर ही भाग रही भैया भागो भैया जोन पे जाओ भैया जोन पे जाओ और PBX की टीम है यहाँ पे
क्या बात है। ओपी भैया बूम रावण का जबरदस्त नीड, पीबीएक्स शूटर नॉकआउट, बूम रावण ने करण सिंह को भी ले लिया है। बूम जतिन क्या बात है, रोर की टीम अलग पेलाई यहाँ पे मचाई पड़ी है भैया। ये टीम भी कतई प्रो हो रखी है भैया, खा गए हैं, केवल तीन टीमें बची है, टीम नंबर 6, टीम नंबर 3 और टीम नंबर 5, जिसमें एक है द ओरिजिनल्स की टीम जो अभी हाल ही में लास्ट टूर्नामेंट जीती हुई है हमारा, और उसके साथ में है, और एक बंदे को नॉक भी कर दिया यहाँ पे, अंदर बुला के रिवाइव कर रहे हैं उसको। बूम रावण तो भाई वाकई में रावण निकला भाई, ऐसा दिमाग, ऐसा ओपी, मतलब पूरा आईक्यू का उपयोग करके जो भैया ने नेड किया भैया, गुल्ली फिट कर दी भैया। बिल्कुल एकदम जोन टू जोन गेम प्ले चल रहा है यहाँ पे। सेकंड पोजीशन के लिए जद्दोजहद कर रही है टीम, एक नॉक, दूसरा नॉक, क्या बात है, क्या धड़ाधड़ स्प्रे किया रे बाबा बूम रावण भाई, मानना पड़ेगा इस बंदे को। एक तरफ रिवाइव कर रहा है, एक तरफ स्क्वाड वाइप किए जा रहा है, सिर्फ दो टीमें बची हुई हैं। जो लास्ट विनिंग टीम है और जो आज विनर बन सकती है, टीम बूम ने द ओरिजिनल्स के धागे खोल दिए हैं यहाँ पे, समझ रहे हो आप। और इस बंदे का ओपी स्प्रे जो है मानना पड़ेगा, और टीम ने जो है साथ नहीं दिया टीम बूम का। और स्नेक गेम की शुरुआत होती हुई, क्या बात है, फ़ायदा मिला इनको, और बूम की जो टीम है यहाँ पे आउट होती हुई, उफ। और द ओरिजिनल्स की टीम अगेन जो है तो यहाँ पे विनर बनी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जिंदाबाद।